हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं अपनी बालकनी गार्डन पे ही काम कर रही हूँ और उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये मिनिएचर गार्डन। इसे बनाने के लिए अगर कोई आइडिया आपके मन में हो तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं घर में पड़े हुए ही एक टब का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, लेकिन अगर आप चाहें तो सर्कल शेप में भी ले सकते हैं, या फिर मिनिएचर गार्डन बनाने के लिए टेराकोटा या फिर क्ले में भी बहुत वाइड रेंज आती है, आप उनका यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ एक लेयर स्टोन्स की, बहुत ही इजीली आपको रोड साइड मिल जाते हैं। उसके बाद कोई भी सॉयल जो आपके अराउंड मिलती है वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये सॉयल नर्सरी से मंगवाई थी तो अभी उसी का यूज कर रही हूँ। जिस साइड मुझे प्लांट्स लगाने हैं उधर से मैंने थोड़ी सी सॉयल साइड हटा दी है और प्लांट लगाने के बाद हम इसे इक्वल करेंगे। अगर आपके पास प्लांट्स नहीं है तो आप कुछ छोटे बड़े प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं, बट इसकी बैक साइड को पूरा प्लांट्स के साथ फिल करने की कोशिश करें। और उसके बाद मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ बहुत ही रफली बनी हुई हट, जिसे मैंने पॉप स्टिक्स के साथ बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हट मैंने कैसे बनाई है तो वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। और ये कुछ कटिंग्स हैं जिन्हें मैं अपने गार्डन से निकाल के लेके आई हूँ। हट के पीछे लगा देने से इसकी लुक और भी ज्यादा इन्हांस हो जाएगी। और अब हम शुरू करेंगे इसका डेकोरेशन पार्ट। उसके लिए सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना होगा। थोड़ी सी और सॉइल डाल के हम इसको टब के बिल्कुल बराबर कर देंगे और उसके बाद ही इसकी डेकोरेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्ले की कटोरी यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। ये जो बिल्कुल छोटे छोटे पॉट्स आते हैं उनके ऊपर जो लिड्स आती हैं, ये वही एक लिड है जिसे मैंने ब्लू कलर में पेंट कर लिया है। और ब्लू कलर से पेंट कर देने के बाद ये छोटी सी लिड इस मिनिएचर गार्डन का एक पॉन्ड बन जाएगी। और उसके अराउंड लगा रही हूँ कुछ स्टोन्स जिनको मैंने व्हाइट पेंट के साथ पेंट कर लिया है। साथ ही जो भी एक्सेसरीज डेकोरेशन के लिए आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप सूखे हुए पत्ते भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल रोज पेटल्स और उनके लीव्स रखे हैं। और यहाँ पे हम लॉन क्रिएट करेंगे। और लॉन क्रिएट करने के लिए ग्रास का एक छोटा सा पीस मैं अपने लॉन में से निकाल के ले आई हूँ और मिट्टी में इसे अच्छे से दबा रही हूँ और थोड़े ही दिनों में यहाँ पे पूरा एक मैट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एक बाउंड्री बनाने के लिए हम इसकी फेंस क्रिएट करेंगे, जिसको मैंने पॉप स्टिक्स के साथ बनाया है और उसके बाद वाइट पेंट कर दिया है। और ये ब्राउन कलर की आर्टिफिशियल फेंस है जिसे बच्चों के प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। मेरे बच्चों के टॉय क्लोजेट में से मुझे मिली है तो इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। इसमें यहाँ पे मैंने सेट कर दी है एक शीप और एक गोट। और यहाँ पॉन्ड के पास मैं सिटिंग के लिए एक स्पेस बना रही हूँ, जिसमें एक छोटा सा टेबल और दो चेयर्स मैंने सेटल की हैं। यहाँ पूल के पास बैठ जाएंगी आंटी जी। और ये सारी एक्सेसरीज मैं जैस्मिन के डॉल हाउस में से निकाल के लेके आई हूँ। और एक छोटी डॉल को मैंने यहाँ लॉन में बिठा दिया है, उसके साथ ही उसका पेट खेल रहा है। मिनिएचर गार्डन के लिए कोई भी सीन आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं और उनको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैस्मिन की इमेजिनेशन थी कि पूल के पास मम्मा बैठी है और उनकी डॉटर लॉन में अपने डॉग के साथ खेल रही है। और उसके बाद हट के पास एक रास्ता बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे स्टोन्स का इस्तेमाल किया है, जिन्हें मैंने व्हाइट पेंट किया है। तो इतने छोटे स्टोन्स को पेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्रेलिक पेंट की छोटी सी डिब्बी मैंने ली है, जिसमें थोड़ा सा व्हाइट पेंट डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सारे स्टोन्स उसमें डाल दिए थे। थोड़ा सा उसको अच्छे से हिलाएं और पेंट उन पे कोट हो जाएगा। आप उन्हें निकाल के सुखा सकते हैं या फिर किसी प्लास्टिक बैग पे पेंट पोर करके उनमें आप स्टोन्स को इस तरह से रब करके सुखा सकते हैं तो बहुत ही ईजिली पेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे स्टोन को ब्रश के साथ पेंट करना ट्राई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और थोड़ा मुश्किल भी होगा। तो व्हाइट स्टोन्स के साथ रास्ता बनाने के बाद मैंने उस पर कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स भी लगा दिए हैं और साथ ही रेड एंड येलो कलर में मैंने पेंट किए थे कुछ स्टोन्स, साइड्स में मैंने वो लगा दिए हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप उसमें क्या लगाना चाहते हैं। आप चाहे सूखे पत्ते लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आप और लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो हट को मैंने पूरा बंद इसीलिए नहीं किया था ताकि इसमें मैं कुछ अगर बेड रखना चाहूँ या चेयर रखना चाहूँ तो वो रखी जा सके। तो इस तरह से ये पूरा मिनिएचर गार्डन कम्प्लीट हो गया है।
तो चलिए अब देख लेते हैं कि हट मैंने किस तरह से बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने पॉप स्टिक का यूज किया है। हट की एक साइड बनाने के लिए आपको 10 पॉप स्टिक्स लेनी है। 2 पॉप स्टिक्स को ग्लू गन के साथ ऊपर से पेस्ट करेंगे ताकि ये सब आपस में कंबाइन हो जाए। कर्व वाला जो शेप है वो हम काट देंगे और इस तरह की हमें 3 साइड्स चाहिए होंगी। फोर्थ साइड जो फ्रंट पे आएगी उसको हम बीच में से हाफ कट करेंगे, यानी कि अगर 10 पॉप स्टिक्स हैं तो 3-3 छोड़ के 4 पॉप स्टिक्स को हम बीच में से काटेंगे ताकि वो डोर की लुक आ सके। और इन सबको आपस में फिक्स करने के लिए आप फेविकोल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हॉट ग्लू गन बहुत ही फास्ट काम करती है, यानी कि बहुत फास्ट ही चीजों को जोड़ देती है, इसीलिए क्राफ्ट में ज्यादातर इसी का यूज किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से पॉप स्टिक्स को आपस में जोड़ के ही इनका बेस बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक बिल्कुल पतला वुडन का पीस था तो मैं उसी का यूज कर रही हूँ बेस के लिए और उसकी छत के लिए। सारी साइड्स को बना लेने के बाद इसी तरह से हम सारे पीसीस को आपस में जोड़ देंगे और आपकी पूरी हट रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो बाद में अपना मनपसंद कलर भी इस पे कर सकते हैं, मैंने इस पे ब्राउन कलर किया था। तो ये था मेरा एक छोटा सा मिनिएचर गार्डन, मैंने बनाया और आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।